आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों का डिमांड था कि इसमें प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता। इसमें यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें थोड़ा VBT के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, थोड़े से मैं ड्रॉबैक्स पे बात करता हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्फॉर्मेशन देता है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग कैसे करते हैं, लिगेंड किस तरीके से एटम के साथ बाइंड करता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे लिगेंड्स के बारे में, अगर आपने कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा पढ़ा है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वो अपना डी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो VBT की थोड़ी सी जानकारी अगर आपके पास हो तो वहाँ एक ड्रॉबैक्स था कि कुछ ऐसे लिगेंड आते हैं जहाँ पे होते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ वीक लिगेंड कंसेप्ट था बट जस्टिफाई नहीं कर पाता VBT। स्ट्रॉन्ग लिगेंड करते क्या है कि वो सेंट्रल एटम के पास जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बना देते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्टिंग का जवाब हमारे पास नहीं था। उसी का जवाब उस ड्रॉबैक्स है, VBT का ड्रॉबैक्स आप जरूर देख लीजिए तो ड्रॉबैक्स से आइडिया होगा कि CFT की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाए तो वहाँ दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर और आउटर के बारे में यहाँ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। तो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में कैसे बना, क्या बना, वो जवाब VBT के पास नहीं था। तो खैर मैं यहाँ पर CFT की तो ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ, CFT फिर आता हूँ CFT उसके ड्रॉबैक्स को कैसे दूर करता है। CFT है क्या? पहले इनका मानना है, खासकर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बता रहा हूँ आपको, जिसके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कहता है ये सेंट्रल मेटल एटम है जिनके पास 6 लिगेंड होते हैं। ये रहा आपके पास 6 लिगेंड। आप सब जानते हैं कि ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है अगर आपके पास 6 लिगेंड प्रेजेंट है। अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते क्या है कि लिगेंड को मानते हैं नेगेटिव चार्जेस, मेटल को मानते हैं पॉजिटिव चार्जेस। कहते हैं जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनके नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्जेस। और कहते हैं इनके दोनों के बीच में जो होता है वो होता है आयनिक इंटरैक्शन, या उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन का नाम दे सकते हैं। और सिंपल ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक तो इनका कंसेप्ट ये है, इनका बेसिक कंसेप्ट ये है। और एक खास बात क्या बताते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं आपको, मेटल के पास जो होते हैं यहाँ पे खासकर डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे बॉन्डिंग बनाते हैं। तो डी के पास अगर हम जाने तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होता है, DXY, DYZ, DZX, DX2 -Y2 और DZ2। ये आपके पास लिगेंड होते हैं। तो इनका मानना है कि इन पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये सब डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट का मतलब होता है कि इनके पास एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, CFT कहता है कि जब ये लिगेंड्स इस ऑर्बिटल के पास आते हैं, खासकर ये दो एक्सियल लिगेंड जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे एक्सियल कहते हैं जो 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। 90 तो खैर यहाँ प्रेजेंट है बट स्क्वायर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इक्विटोरियल एंगल कहलाता है। ऑक्टेटल में क्या होता है, एक्सियल इक्विटोरियल का एंगल दोनों का क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। उनका मानना जो एक्सियल लिगेंड आपको दिखाई देते हैं तो इनके पास भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डेंसिटी होती है, तो उसकी डेंसिटी और खासकर ये दो ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है डी की, दोनों सेम प्लेन में, कहते हैं ये देखिए 3D में है, ये भी देखिए आपके पास 3D में प्रेजेंट है, तो ये ऑर्बिटल भी क्या होता है 3D में लाई करता है। अगर आप थोड़ा सा जाने पीछे अगर के इस डायग्राम बनाएंगे तो DY2, DZ2 दो ऐसे ऑर्बिटल जो 3D एक्सिस पे लाई करते हैं, दोनों की जो एक्सिस होते हैं वो सेम प्लेन में आ जाते हैं 3D होने की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या, ये दोनों लिगेंड इस पे ग्रेटर रिपल्शन एग्जर्ट करते हैं। इस रिपल्शन से क्या होता है कि दोनों के बीच में एनर्जी गैप पैदा हो जाता है। जैसे मैं डैश बना रहा हूँ, ये एनर्जी लेवल है डी ऑर्बिटल का, चाहे 3D हो, 4D, कुछ भी डी ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो ये दोनों लिगेंड ग्रेटर रिपल्शन इन दोनों ऑर्बिटल पे करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है, दो पार्ट में ये ऑर्बिटल टूट जाते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है और ये मेन एनर्जी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं। बाकी इसके रेस्पेक्ट में ये तीनों जो ऑर्बिटल प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड, ये तीनों ऑर्बिटल कौन से हैं, वो DXY है, DYZ है और ये DZX है। इसको हम जैसा कि जानते हैं D²-Y², ये हमारे पास DZ²। और इनके रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, घट जाती है। कहता है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप पैदा हुआ उसी का नाम होता है डेल्टा ओ, इसे कहते हैं ऑक्टा हेड्रल क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में इसे डेल्टा ओ लिखा गया, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम सी एफ एस ई भी कह सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में अच्छा खासा एनर्जी गैप है, इस ऑर्बिटल का नाम होता है ई जी, इस ऑर्बिटल का नाम होता है टी टू जी। ये तीनों को कंबाइंड फॉर्म में टी टू जी कहा जाता है, जैसे ई जी कहा जाता है। ई जी ई फॉर एंटीगन, लैटिन वर्ड में अगर हम जाने तो टू होता है इसका मतलब, जी का मतलब जनरेट, मतलब दो नया ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे जनरेट हो गया। टी टू जी, टी का मतलब ट्राई, टू का मतलब टू, जी जनरेट, मतलब ये तीन अलग से एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, जिसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाती है, इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में, ईजी की एनर्जी टी टू जी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाती है, और ईजी की एनर्जी टी टू जी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाती है, और टी टू जी की एनर्जी ईजी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाती है। कहते हैं आप एनर्जी लेवल को देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट एनर्जी है, मिडिल पे पार्ट था। ये दो ऑर्बिटल इसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब 3/5 टाइम डेल्टा ओ वैल्यू बढ़ जाती है इन तीनों के रिस्पेक्ट में, और ये और तीनों ऑर्बिटल इन दोनों के रिस्पेक्ट में 2/5 टाइम डेल्टा ओ डिक्रीज कर जाती है। तो कहते हैं कि हम डेल्टा ओ का चाहें तो वैल्यू लिख सकते हैं, वो कैसे, देखिए ऐसे लिखा जाता है +3/5 डेल्टा ओ इंटू, अगर हम ई जी में इलेक्ट्रॉन एक्स डाल दें और टी टू जी में इलेक्ट्रॉन वाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, -2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। टी टू जी के वैल्यू क्या है यहाँ पे, वाई, वाई का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इसमें फिलिंग होगी उस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया उन्होंने क्या कि ऑर्बिटल जब भी थ्री डायमेंशनल एक्सिस पे आते हैं, लिगेंड जब करीब आता है डी के पास, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है और ये ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक तो ई जी, दूसरा होता है टी टू जी। तो इसी की वजह, अब रहा सवाल इसका एप्लीकेशन क्या है, तो वहां एक ड्रॉबैक क्या था कि व्हाट इज अ स्ट्रांग लिंकेट, एक्चुअली वहां हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं वीबीटी में, तो यहां जवाब ढूंढते हैं। कहता जिसकी डेल्टा ओ वैल्यू वेरी हाई हो जाएगी उसे हम स्ट्रांग लिंगेंट का नाम देते हैं, जिसमें डेल्टा ओ की वैल्यू, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाए, इस तरह से देखिए टी टू जी, ये एनर्जी हो गया आपका ई जी, दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, अगर ओ वैल्यू हाई हो गई आपकी, इसका मतलब ये हो गया आपका स्ट्रांग लिंगेंट। फिर कहा कि आप एक रास्ता और देख सकते हैं, अगर मान लीजिए एनर्जी गैप बहुत कम हो टी टू जी और ई जी में, तो इसका मतलब डेल्टा ओ वैल्यू लो होगी, तो इसे हम कहेंगे वीक लिंगेंट। इस तरह से क्या हुआ कि सारे लिंगेंट लिए गए, सबकी डेल्टा ओ वैल्यू निकाले गए, डेल्टा ओ वैल्यू निकालने से आइडेंटिफाई किया जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी उसे स्ट्रांग लिंगेंट कैटेगरी में रखा, जिसकी वैल्यू बहुत कम थी जैसे यहाँ पे हम वीक लिंगेंट कह रहे हैं उसको वीक लिंगेंट कैटेगरी में रखा। इस तरह से जितने सारे लिंगेंट्स थे सबकी यहाँ पे एनर्जी गैप, ये वैल्यू डेल्टा ओ वैल्यू निकाली गई विथ रेस्पेक्ट, जिसमें किसी में एनर्जी ज्यादा आई किसी में एनर्जी कम आई, वो डिपेंड करता है लिंगेंट टू लिंगेंट वैरी करता है। तो यहां तक हम पहली दफा आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा लिंगेंट हमारा स्ट्रांग होगा कौन सा लिंगेंट हमारा वीक होगा, ये वीक है हमारा ये स्ट्रांग है, तो ये डिपेंड करता है डेल्टा ओ वैल्यू हमारी लो होगी तो हम उसे वीक लिंगेंट, डब्ल्यू एल का मतलब वीक, एस एल का मतलब स्ट्रांग लिंगेंट। प्रीवियस कंसेप्ट में आपने ये समझ गया कि स्ट्रांग लिंगेंट वीक लिंगेंट बेसिकली डिपेंड करता है डेल्टा ओ वैल्यू पे। डेल्टा ओ वैल्यू जैसा कि मैंने बताया पीछे भी हाई होगी तो स्ट्रांग लिंगेंट, डेल्टा ओ वैल्यू लो होगी तो वीक लिंगेंट। इसी की बेसिस पे क्या हुआ, इन्होंने स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज बनाया और क्या किया, इन्होंने लिंगेंट को अरेंज किया, बीच में H2O मिलेगा, फिर साथ लास्ट में आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको CO सबसे आखिर मिलेगा, आप कह सकते हैं NH3 मिलेगा आपको, CN मिलेगा आपको, CO मिलेगा, इस तरह से इन्होंने सीरीज बनाई गई, बीच में H2O ले लीजिए, यहाँ बीच में EN भी मिल सकता है, कहीं पे आपको C2O4 मिल सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली मिलेगी, जितना आप इधर जाएंगे डेल्टा ओ वैल्यू क्या होगी उतनी ज़्यादा हाई होगी, जितना इधर आएंगे आपको डेल्टा ओ वैल्यू क्या होगी उतनी ज़्यादा लो होगी। तो यहां से हम डेल्टा ओ वैल्यू से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये तीन बड़े स्ट्रांगेस्ट लिंगेंट है, खासकर CO, CN और NH3, शायद CN इधर होगा, सॉरी यहाँ CN ले सकते हैं, यहाँ NH3 के बाद आएंगे वो, ये ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से CN, NH3, CO सबसे स्ट्रांगेस्ट लिंगेंट बिकॉज डेल्टा ओ वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर CO और H2O के आने से पेयरिंग क्यों होती है, तो बताते हैं इसका कंसेप्ट बताने का तरीका बताते हैं। कहते हैं कि फोर स्ट्रांग लिंगेंट अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि डेल्टा ओ वैल्यू इज मोर देन पी। पी के बारे में कंसेप्ट बता दूं, पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन। आप खुद देख रहे हैं कि स्ट्रांग लिंगेंट में डेल्टा ओ वैल्यू बहुत ज्यादा है, पेयरिंग उसके रिस्पेक्ट में कम है, तो हमेशा
जहां पे एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग करना पसंद करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, देखिए ये हमारे पास इजी है, ये T2G, मैं CFT का कॉन्फिगरेशन बता रहा हूं। हाँ, दूसरी और खास बात, ये स्ट्रांग या वीक लिंक का कंसेप्ट याद रखिएगा इस चीज को, अगर लेस देन पी है तो हम इसे यहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करेंगे। बताता हूं मैं आपको भी वीक लिंगेंड स्ट्रांग लिंगेंड कांसेप्ट, ये चीज याद रखिएगा। स्ट्रांग लिंगेंड जब होता है तो डेल्टा ओ वैल्यू पेयरिंग से ज्यादा होती है, तो लोअर एनर्जी साइट हमारे पास पेयरिंग एनर्जी है तो पेयरिंग भी जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर हम वीक लिंगेंड की बात करें तो पेयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, डेल्टा ओ का मतलब एनर्जी गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करना पसंद करता है, इसलिए पेयरिंग करना यहां मुश्किल होता है। अभी मैं कांसेप्ट बताऊंगा क्या वजह है, सिर्फ फिलहाल तो आप ये समझे कि स्ट्रांग लिंगेंड और वीक लिंगेंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब कहता है जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांग लिंगेंड और वीक लिंगेंड का, वो सिर्फ D4 टू D7 तक वैलिड है, उसके अलावा कहीं और नहीं होता। यहीं पे आप स्ट्रांग लिंगेंड और वीक लिंगेंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। बाकी अगर हम बात करें D1, D2, D3, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, या D8 है, D9 है और D10 है, वहां पे स्ट्रांग लिंगेंड वीक लिंगेंड कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं सब बताता हूं आपको। जैसे आपने D4 लिया, अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रांग लिंगेंड है, मैं भी एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास स्ट्रांग लिंगेंड है, तो आप जानते हैं कि इसकी डेल्टा ओ वैल्यू बहुत हाई होगी। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 1, 2, 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा बिकॉज इसकी डेल्टा ओ वैल्यू हाई होती है पी से, तो पेयरिंग करना पसंद करेगा। तो कन्फ्यूजन होगा T2G4, EG क्या होगा 0। अगर आप इसी में आपके पास कोई वीक लिंगेंड है, जैसे मान लीजिए Cl है आपके पास, H2O है, यहाँ पे अगर CN है, NH3 है, इन केस ऑफ D4 बात कर रहा था मैं, Cl अगर प्रेजेंट है तो अगर क्या होगा कि इसमें उल्टा हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको ये T2G है, तो डेल्टा ओ वैल्यू लेस देन पेयरिंग होगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करना, अगर हम D4 को फिलअप करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन का जंप करना आसान होगा, पेयर करना मुश्किल। तो कन्फ्यूजन T2G 3 और EG कितना 1 नजर आ रहा है। अब आप खुद देखिए T2G3 EG1 T2G4 EG0। अब आपको क्या नजर आ रहा है, जब आप इस वीक लिंगेंड लेते हैं तो कॉन्फिगरेशन T2G3 EG1 हो जाता है, जब आप स्ट्रांग लिंगेंड लेते हो तो T2G4 EG0। इस तरह से स्ट्रांग लिंगेंड वीक लिंगेंड कॉन्फिगरेशन में फर्क आएगा। अगर इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं मान लीजिए D8 पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो D8 पे चाहे स्ट्रांग हो चाहे आपके पास वीक हो, आप दोनों को देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये T2G था और ये हमारे पास EG था। तो पहले मैं स्ट्रांग की बात बताता हूँ। आप जानते हैं कि स्ट्रांग में डेल्टा ओ वैल्यू, ये जंप करना मुश्किल है, पेयरिंग करना आसान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 फिलिंग करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे T2G6EG2 देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसी D8 को आप अप्लाई करते हैं किसमें, मान लीजिए T2G और EG में, ये हमारे पास EG, ये हमारे पास T2G। अब इलेक्ट्रॉन की 1, 2, 3 पहले यहाँ जंप करेंगे, 4, 5 फिर उसके बाद 6, 7 और 1, 8 फिर देखिए T2G6EG कितना 2। अब बताइए T2G6EG2 वीक में भी वही बात है और स्ट्रांग में भी वही बात है। जब दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कि हमें इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये D8, D1, D2, D3 इन कंडीशन में D8 और D10 के बीच में हम स्ट्रांग लिंगेंड वीक लिंगेंड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ D4 और D7 में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता है, इसलिए हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप उसके लिए दोबारा हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। आपको लगता है कुछ टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बेसिकली प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाता हूँ। जहाँ तक प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझे जरूर टॉपिक कंटेंट, मैं कोशिश करूँ कि वीडियो आपको बना के दोबारा से अपडेट करूँ। थैंक यू सो मच।